बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर। चैप्टर 12 से ही आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मिल सके। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करें, जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम इस टर्मिनोलॉजी को जो है वो सुनते हैं कि कैपेसिटर चेंज कर दें इस मशीन का या पंखे का तो ये स्पीडी हो जाती है, तेज़ हो जाती है। तो ये क्या रीज़निंग इसकी क्या है, और इस कैपेसिटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस चीज़ के बारे में जो है वो रोल प्ले करते हैं? तो आम जबान में हम सबसे सिंपलेस्ट कैपेसिटर के बारे में यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे, फिर हम फर्दर जो है और मुख्तलिफ कैपेसिटर्स की भी बात करेंगे थोड़ी सी। तो कैपेसिटर जो है ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वो कुछ यूँ होगी। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में बताते हैं। ये सॉरी, एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं। दोनों तरह से आप इसको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम सबसे इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कैपेसिटर की, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और वो हमारे पास क्या है उसके मैं अभी ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। वो कुछ यूँ है, ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, और नॉर्मली ये जो मेटल प्लेट्स होती हैं आपको पता है ये न्यूट्रल होती हैं। उसको ये आपके पास कोई प्लेट है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव, तभी ये जो है ये एक न्यूट्रल जो है वो मेटल प्लेट जो है वो क्रिएट होगी, न्यूट्रल मेटल प्लेट क्रिएट होगी। यहाँ पे हमने दो मेटल प्लेट्स नहीं है, इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दी एक्सटर्नल सोर्स और एक स्विच के साथ जो है वो अटैच किए। ये जो बैटरी या स्विच है इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ, ये इसका सिंबल है सर्किट में ड्रॉ करने के लिए, जो इसका लेस लेंथी साइड ये नेगेटिव को और ये वाली साइड पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम यहाँ पे बोलेंगे कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, न्यूट्रल टेंडेंसी ये क्रिएट कर रहे हैं, और इसी तरह यहाँ के पे नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव भी है, कब? जब ये भी न्यूट्रल है, जब आपने स्विच ऑन नहीं किया। तो जो ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बैटरी जो कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव था, ये यहाँ से सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, और ये क्या करेगी, ये सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ ले आएगी। तो क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव, और इस प्लेट पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसके ऊपर चार्ज की डिपॉजिट के हवाले से दो तरह की मेथडोलॉजी है, एक तो वो जो भी मैंने आपको बताई है कि बैटरी इन प्लेट्स के ऊपर से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सक कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी मेथडोलॉजी ये भी है कि ये वाली जो नेगेटिव प्लेट है ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज को इस प्लेट पर डिपॉजिट करती है, और ये वाली प्लेट यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट पे डिपॉजिट करती है। तो एट अ टाइम दोनों मेथडोलॉजीज ठीक हैं कि एक वायर के अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव की मूवमेंट इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है। तो इन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है दोनों पे बराबर होगी, लेकिन अपोजिट जो है वो यहाँ पे नेचर होगी दोनों प्लेट्स के ऊपर। तो जब ये चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट होगा तो इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो वी के बराबर होगा। तो अगर हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस वी और चार्ज के दरमियान, चार्ज स्टोर के दरमियान रिलेशन जो है डिफाइन करने लगें तो वो हमारे पास कुछ यूँ होगा कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल के, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स के। तो जितना पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ज़्यादा होगा उतनी ही उतना ही चार्ज स्टोर जो है वो ज़्यादा होगा। चार्ज स्टोर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम इस पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स को ये भी कहें कि पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, तो तब भी ये गलत नहीं होगा। अगर आप, इसका मतलब यही है कि अगर आप बड़ी बैटरी यूज़ करेंगे, बिगर बैटरी, तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे चार्ज जो है वो स्टोर होगा दोनों प्लेट्स के ऊपर। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम इक्वालिटी में चेंज करें तो आपके पास साथ कांस्टेंट क्या आएगा, सी। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर हम इसको कहते हैं
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यही इसकी बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब हम यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे और इसकी हम फर्दर एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है ये बेसिकली है, इसको हम कहते हैं इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ये जो वर्ड आपके पास कैपेसिटेंस है, ये वर्ड निकला ही कैपेसिटी से, ये वर्ड कैपेसिटी से निकला है कि एक कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके। तो अब हम इसी टर्मिनोलॉजी को कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखेंगे कि ये किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है और इसका यूनिट क्या है। जो ये हम पढ़े थे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में हमने ये कहा है कि ये जो फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी वी, इसमें हम देखें अगर तो सी जो है ये क्यू और वी की रेशियो है। तो चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर होगा कैपेसिटेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चार्ज की स्टोरेज के हवाले से अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये ऐसे ही है जैसे किसी भी बर्तन की एग्जांपल अगर आप लें कि ये फर्ज कर ले एक बॉटल है, तो हर एक बॉटल की आपको पता है स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है वो कितना लिक्विड स्टोर कर सकती है। फर्ज करें ये एक 1 लीटर बॉटल दी, तो हम क्या कहेंगे इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर लिक्विड, 1 लीटर लिक्विड जो है ये स्टोर कर सकती है। इसी तरह हम इन इस कैपेसिटर की भी कैपेसिटी बताएंगे कि अगर इसकी जो प्लेट्स हैं वो बड़ी हुई तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगी, अगर इसकी प्लेट्स छोटी हुई तो ये कम चार्ज स्टोर कर पाएगी। उसकी थिकनेस पे भी ये डिपेंड करती है, उसके एरिया पे भी डिपेंड करती है। और इस यानी कि जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है या जो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर है ये डिपेंड करती है इसकी ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर और दूसरा जो हमारी इसकी डिपेंडेंस है वो है मीडियम, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं है, वैक्यूम है, तो तब हम ये कहेंगे कि तब कैपेसिटेंस कुछ और है। अगर दरमियान में कोई आप मीडियम रख दें तो डेफिनेट आपको पता है कि दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होने से पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, पोटेंशियल डिस्टर्ब होने से कैपेसिटेंस जो है वो भी चेंज होगी। तो ये दो पैरामीटर हैं जनरली, ज्योमेट्री और मीडियम। इसका अगर हम यूनिट बताएं तो इसका यूनिट जो है वो है फैरड, जिसको कैपिटल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का यूनिट आपको पता है कूलम, जिसको कैपिटल सी, और ये क्या है वोल्ट, जिसको हम वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका जो है वो यूनिट था। तो यहाँ से अगर हम 1 फैरड जो है वो लिखना चाहें तो वो किसके इक्वल होगा, 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। तो यहीं से हम 1 फैरड को जो है वो डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, तो ये इसकी बेटा डेफिनेशन है जिसमें हमने कहा है कि इफ़ 1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन वन ऑफ इट्स प्लेट्स, ये कह रहे हैं क्योंकि जितना चार्ज एक प्लेट पे स्टोर होगा उतना ही चार्ज दूसरी प्लेट पे भी स्टोर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर होगी, नेचर डिफरेंट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर होगी। वन ऑफ द प्लेट, तो चार्ज 1 कूलम स्टोर करने से दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर क्रिएट हो जाए तो तब हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी बताएंगे, 1 फैरड। 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे तो कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी उसकी, 1 फैरड। तब हम नेक्स्ट जो इसका साथ अटैचमेंट टॉपिक है वो है हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टिपिकली देखेंगे कि ज्योमेट्री के रिस्पेक्टिवली जितने भी पैरामीटर्स आते हैं उन पैरामीटर में से किन किन पैरामीटर पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करती है, और मीडियम प्लेस करने से किस तरह से इसकी कैपेसिटी जो है वो वेरी करती है, उसके लिए हम इसको अब यूँ लिखेंगे। ये आपके पास है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हम बता रहे हैं आपके पास उसी तरह से दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट।
जब आप ऑन करेंगे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएगा, इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। इस प्लेट का अगर हम एरिया बताएं दोनों प्लेट्स का, तो वो आपके पास है कैपिटल ए। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी के बराबर है, और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो किसके बराबर है, वी के। तो ये हमने अपनी इस प्रॉब्लम को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली को पहले डिफाइन कर लेना, एक्सप्लेन कर लेना। फिर इसके बाद हम जो है इसकी कैपेसिटेंस जो है बताएंगे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, एज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी का फार्मूला क्या, क्यू बाई वी। ये आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी वाले फार्मूले को आप क्या देंगे, इक्वेशन नंबर वन। इसी तरह अब हम यहाँ पे क्या Q और V की वैल्यू डिटरमिन करेंगे, तो जो Q और V की वैल्यू होगी वही वैल्यू हम यहाँ पुट करके फिर हम इस प्रॉब्लम के मुताबिक कैपेसिटेंस जो है वो डिफाइन कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो Q है वो आएगा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी से, एज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी सिग्मा टाइम्स ए। आपने चार्ज जो है यहाँ पे मालूम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली टर्म यूज करेंगे, जैसा कि हम पहले भी टॉपिक्स में करते आ रहे हैं। जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान कोरिलेशन फाइंड करना हो तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट ही यूज करते हैं। इसके लिए भी हम लिखेंगे एज पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज ई इज इक्वल। आपको याद हो तो इसका फार्मूला आपके पास है माइनस डेल वी ओवर डेल आर। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक देखना डेल वी क्या है, डेल आर क्या है। तो डेल वी चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास किसके बराबर है, वी के, और डेल आर दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन क्या है, डी। तो ये आ रहेगा वी बाई डी, और माइनस साइन यहाँ पे हम रिमूव करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज नहीं है, रेट ऑफ चेंज नहीं है। वी और डी हमने उसका स्पेसिफिकली बता दिया कि अब ये जब चार्ज हो चुका होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा और सेपरेशन। अब आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ से V को एलिमिनेट कर लें, तो V आपके पास इक्वल आ जाएगा E टाइम्स D के। हमें तो यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री, इसके ज्योमेट्री टर्म्स के, ज्योमेट्री A और D की टर्म्स में। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कितने हैं, वो हमने गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ा हुआ है। वो क्या था, ये आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा V को आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, किसको आप कह दें इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन टू और थ्री को वन में पुट कर लेना। टू और थ्री को वन में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए, नीचे क्या आएगा, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, सिग्मा डी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिग्मा सिग्मा के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो कैपेसिटेंस आएगी इसकी वो आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी।
ये आपके पास फार्मूला आ गया कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसके ऊपर अगर हम गौर करें तो अब इसमें ज्योमेट्री की दो टर्म्स हैं, ए और डी, एरिया इस प्लेट का और डी सेपरेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आप चाहते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे बढ़ेगी, तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी और को अगर हम गौर में रखें तो हम देखेंगे इफ एरिया इंक्रीजेज एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेज देन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। इस तरह से आप कैपेसिटेंस को जो है वो बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी भी हमने डिपेंडेंस देख ली, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि मीडियम के वजह से इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। विद मीडियम जो है इसकी क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है। अगर हम विद मीडियम देखें तो आप इस कैपेसिटेंस को लिखेंगे सी मीडियम ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है, तो यहाँ पे जो मीडियम वाली टर्म थी हमारे पास कूलम्स लॉ वाले में भी, उसमें हमने ये कहा था 1/4 πε0 Q1 Q2/r2। अगर आपने कहा था मीडियम दोनों चार्जेस के दरमियान में रखने तो फोर्स बदल जाएगी, और हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट प्लेस करेंगे जिसको हमने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के, और ये डिपेंड करता है मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर। मुख्तलिफ मीडियम की मुख्तलिफ परमिटिविटी है, लेकिन हमने ये कहा था कि यह परमिटिविटी हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगी। जैसे हमने यहाँ पे एप्सिलॉन आर को प्लेस किया था एप्सिलॉन नॉट के बिल्कुल साथ, तो यहाँ पे भी हम एप्सिलॉन आर जो कि मीडियम की रिलेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, ये हम एप्सिलॉन नॉट के साथ ही प्लेस करेंगे। तो अगर हम इस रिलेशन और इस रिलेशन को कंपेयर करें तो सी मीडियम इक्वल आता है सी एप्सिलॉन आर के, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर आपके पास एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सी मीडियम कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की बढ़ जाएगी, कब, जब आप मीडियम प्लेस करेंगे। और साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन एक आ गई है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद मीडियम ओवर कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम। तो यहाँ भी हमने वही कहा कि इसका भी यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसके रिलेवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई क्यूरी हो तो आप जो है वहाँ पे आप पुट करें, मैं उसको आंसर करूँगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।